मुबारक कबूल आलम बना, खुदा ने आपको चांदनी से देखे से नवाजा है। खुदा की नवाज और शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। ये लो वजीर आजम, शहजादे की पैदाश का ऐलान किया जाए, गरीबों और मस्कीनों में खैरात बांटी जाए और एक ऐसे जश्न का इंतजाम किया जाए जो आज तक किसी बादशाह ने अपने शहजादे की पैदाश पर ना किया। मलिका आप शहजादे की इंतजार कर रहे। आप तो इस तरह खुश हो रहे हैं जैसे कि आपका पहला बेटा है, और भी तो 3 बेटे हैं आपके। मलिका तुम्हारे बेटे हमारे शहजादे जरूर हैं, लेकिन बेवकूफ है वो, तख्त और ताज के काबिल नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है कि खुदा ने अब जो बेटा बख्शा है वो हमारे तख्त और ताज का वारिस बनेगा। मुबारक हो हुजूर। मुबारक हो आले जा। नजूमी साहब, ऐसे खुशी के मौके पर इस तरह पुकारना क्या बदशगुनी नहीं है? ताकि मौका आ लीजा, मैंने शहजादे का जायका तैयार किया है और मुनासिब समझा कि हजूर को शहजादे तक पहुंचने से पहले रोक कर सुना दूं। क्या कहता है जायका? शहजादे का मुबारक नाम ताज निकला है आलम पना, मुस्तकबिल रोशन है, शहजादा होनहार है, बहादुर और इंसाफ पसंद है, बड़ा होकर शहंशाह बनेगा और दुनिया का हर बाप खुदा से दुआ करेगा कि उसे ताज जैसा बेटा मिले। खुदाया हमें उम्मीद थी कि तू हमारी जरूर सुनेगा। क्योंकि शहजादे की पैदाइश एक मनहूस सितारे के जेर असर हुई है इसलिए। इसलिए क्या? फिल्म नजूम कहता है आलम पना, जिस वक्त आपकी नजरें शहजादे के चेहरे पर पड़े आपकी आंखों की बिनाई जाती रहे। ये आप क्या कह रहे हैं नजूम साहब? ये मैं नहीं कह रहा हूँ अलीजा, शहजादे का जायजा कह रहा है। अगर शहजादा सुबह होने से पहले यहाँ से कहीं दूर ना भेज दिया गया तो ये सल्तनत तबाह बर्बाद हो जाएगी, हर तरफ बदमने का दौर दौरा शुरू हो जाएगा और ये खूबसूरत महिला खंडरात बन के रह जाएगी। नजूमी साहब, शहजादे पर इस मनहूस सितारे का असर 27 बरस तक रहेगा आलम पर। 27 बरस? नहीं नहीं, हम एक लम्हा भी अपने बच्चे को देखे बगैर नहीं रह सकते। आली जा, ताकि मुआफ हो आलम पना, सिर्फ शहजादा ही आपका बेटा नहीं बल्कि पूरी रियाया आपकी औलाद। क्या आपको अपने एक बच्चे के लिए अपने हजारों बच्चों की मौत मंजूर है? नहीं, हमें ये नहीं। लेकिन हम क्या करें नजूमी साहब? आलम पना, शहजादे की रिहाइश का इंतजाम यहाँ से कहीं दूर जंगलों में कर दिया है। वक्त बहुत कम है आलम पना, शहजादे को सुबह होने से पहले यहाँ से भेज दिया जाए। फरमाइए आपका क्या फैसला है? वही जो खुदा को मंजूर है। हम अपने फर्ज को मोहब्बत पर कुर्बान नहीं कर सकते। हमारा फैसला है। फैसला करने से पहले हमारी एक इल्तिजा सुन लीजिए। बेगम तुम आराम करो। जिस बदनसीब माँ को ये पता चले कि उसके बेटे को जंगलों में भेजा जा रहा है, आप उसे आराम करने के लिए कह रहे हैं बादशाह सलामत? बेगम हम मजबूर हैं, शर्मिंदा हैं और बदनसीब, क्योंकि हम बात ही नहीं एक बादशाह भी है। लेकिन हम तो सिर्फ एक ही बच्चे की माँ है, क्या अपने फर्ज के लिए आप हमारी मोहब्बत का गला घोट देना चाहते हैं? हमारे शहजादे को हमसे छीन लेना चाहते हैं? तकदीर के आगे कोई पेश नहीं चलती बेगम, तकदीर में नहीं लिखा है। गलत लिखा है, ये नहीं हो सकता। हम अपने बेटे को जंगलों में नहीं जाने देंगे, वो शहजादा है और शहजादों की तरह रहेगा। नहीं बेगम नहीं, हम अपने एक बेटे के लिए हजारों माओं की गोद खाली नहीं कर सकते बेगम, नहीं कर सकते। तो हम भी अपने शहजादे को जंगलों में भेज कर अपनी गोद खाली नहीं कर सकते? बेगम ये हमारा फैसला है। अगर आपका ये फैसला है तो हमारा फैसला भी सुन लीजिए, शहजादे के साथ हम भी जंगलों में जाएंगे। नहीं बेगम, जिसने जिंदगी में नंगे पांव कभी जमीन पर कदम ना रखा वो जंगलों में किस तरह रह सकती है? बेगम
हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हमें इतनी इजाजत दीजिए कि हम अपने हाथों से अपने बच्चे की परवरिश कर सके, हम उसे इस काबिल बना सके कि जब वो 27 बरस का हो तो उसे देखकर आपका सीना पर से फूल उठे, आप उसे शहजादा कह सके, ताकि ताकि खुदा से आपको कोई गिला ना रहे। बेगम, बादशाह सलामत, पर के लिए मोहब्बत से मुंह मोड़ लेना आप ही ने हमें सिखाया है। हमें इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए। अच्छा जाओ बेगम। जो आज तक हुआ ना तूने आज कर दिया, क्यों ताज दे के मालिक बेताज कर दिया, बेताज कर दिया। तूने ये क्या जिंदगी दी, जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी, के गम से सजा कर हमें हर खुशी दी। जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी। जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी। छलकने लगे आज आंखों में आंसू, छलकने कैसी हंसी दी। जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी। जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी, के गम से सजा कर हमें हर खुशी दी। जहां वाले तूने ये क्या जिंदगी दी, ये क्या जिंदगी दी। आलम
हो मल्लिका? 5 साल हो गए हैं छोटी बेगम और शहजादे को जंगलों में गए, लेकिन आप कभी अभी तक हमसे खाली नहीं। अभी सिर्फ 5 साल ही हुआ, 22 साल और बाकी, तब कहीं जाकर बेटे को देखने की तमन्ना पूरी होगी। ना जाने तब तक हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं। खुदा आपको रहती दुनिया तक जिंदा रखे, लेकिन हमारा दिल आपसे नाराज है। क्यों मल्लिका? क्योंकि आप हमेशा इस तरह से बातें करते हैं जैसे कि आपका बेटा सिर्फ वही था। आखिर 3 बेटे और भी तो हैं आप, वो भी तो शहजादे हैं, कभी आपने उनका भी ख्याल किया है? मल्लिका, जहाँ तुम जैसी काबिल माँ और तुम्हारे भाई जैसे लायक उस्ताद की सरपरस्ती मौजूद हो, वहाँ हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है? वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप देख तो लीजिए कि हमारे भाई जाने शहजादों को कैसी तबीयत दी है। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो शहजादों को बुलाया था। गणेश, शहजादों को बुलाया था। अरे तंबाकू नामरादो, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, कुछ तो इज्जत करो। उस्ताद हुए तो क्या, हमारे मामू भी तो हो, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। देखो तुम एक दूसरे के साथ खेलो और हमसे तालीम हासिल करो। हाँ अच्छा, तो तुम हमें तालीम दो, हम खेलते हैं। खेलते हैं? अरे बेशर्मो बाद आ जाओ, तो वरना हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। हम भी तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तुम क्या शिकायत कर दोगे? हम कहेंगे कि तुम हमको पढ़ाते लिखाते नहीं हो, हमारे साथ खेलते हो। ऐसा मत करना, नहीं तो हमारी शामत आ जाएगी। हाँ तो वादा करो कि तुम हमको पढ़ाने लिखाने की कोशिश नहीं करोगे। वादा करता हूँ बाबा। ऐसा नहीं, कान पकड़ कर। कान पकड़ के? हाँ कान पकड़ के। आदा बरदस्तार साहब। कौन है? क्या है? बादशाह सलामत ने आपको और शहजादों को याद फरमाया, वो इनका इम्तिहान लेना चाहते। आज हमारा रुतबा बढ़ेगा, जल्दी चलो भाई। कहाँ गए? अरे कहाँ चले गए? अरे कहाँ उड़ गए भाई? अरे बेशर्मो, इम्तिहान से डरकर यहाँ छुप गए हो, मेरी तरक्की क्यों रोकते हो? चलो 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 चलो। ये क्या? अदा बजा लाता हूँ आलीजा। देखा आपने, कितने होशियार हैं शहजादे, इम्तिहान देने के लिए दौड़ दौड़ के आए हैं। आप कोई सवाल पूछिए आलीजा, ये यूँ जवाब देंगे। हाँ अच्छा हामिद, ये बताओ कि लोग हमें बादशाह क्यों कहते हैं? क्योंकि आप हमारा अब्बा हैं इसलिए। अरे वाह, इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम गधे के बच्चे होते तो लोग गधे को बादशाह कहते। वाह वाह, क्या हाजिर जवाबी है आलीजा। खामोश। क्या यही सिखाया आपने शहजादों? और भी बहुत कुछ सिखाया है आलीजा, कुछ और पूछिए। पूछिए ना आलीजा। अच्छा महमूद, ये बताओ कि दुनिया किसने बनाई? जी हम पूछते हैं कि दुनिया किसने बनाई? मैंने नहीं बनाई अब्बा हजूर। सुना उस्ताद साहब, क्या कह रहा है आपका शागिर्द? शहजादा झूठ नहीं बोलता आलीजा, ये जरूर किसी और का काम है। देख लिया आपने अपने भाईजान की काबिलियत। भाईजान सच ही तो कह रहे हैं आलीजा, जब महमूद पैदा हुआ था तो दुनिया बन चुकी थी। उस दिन दुनिया गारत हो गई थी जिस दिन ये पैदा हुआ था। बेवकूफ बदतमीज। हजूर आप खामोश रहिए, आज से इन्हें लिखाने पढ़ाने की कोशिश छोड़कर निशानेबाजी की तरबियत दी, समझे आप? अभी तो शहजादे बहुत छोटे हैं आलीजा। मल्लिका, ये हमारा हुक्म है। अम्मी जान, हम निशानाबाजी नहीं सीखेंगे। नाच सीखेंगे नाच। नहीं हामिद, ये बादशाह सलामत का हुक्म है। लेकिन बादशाह सलामत का हुक्म आना जरूरी क्यों है? इसलिए कि दुनिया में सबसे बड़ा बादशाह। अम्मी जान, जब मैं बादशाह बन जाऊंगा तो दुनिया में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। हाँ शहजादे, दुनिया में सिर्फ तुम्हारा ही हुक्म चलेगा। अच्छा बेटे, ये बताओ दुनिया में हुक्म किसका चलता है? पहले अल्लाह का, फिर बादशाह का। शाबाश मेरे बेटे, तुम बड़े होकर जरूर तख्तो ताज के काबिल बनोगे। अम्मी जान, आप हमें शहजादा तो कहते हैं, मगर ये नहीं बताते कि हम कहाँ के शहजादे हैं। तुम हमारे दिल के शहजादे हो ताज। आज ये शहजादा कोई मुकदमों का फैसला करेगा। मुजरिम कौन है?
दादा को छोड़कर बाकी सब मिल गए। जुल्म क्या है? चोरी। हमने क्या चोरी की है शहजादे? सच्चाई को छुपाना क्या चोरी नहीं है? आप बोलिए। हाय शहजादे। तो आप दोनों चोर हैं। आपने आज तक हमसे छुपाया, हम कहाँ के शहजादे हैं? आप अपने जुल्म का एक बार करती हैं, तो हम आपको सजा देंगे। सजा? नहीं बताती, हम आपका दिल का तखत छोड़ के जा लें। साथ, साथ, सुनो बेटे, सुनो। यही हम आपसे नहीं बोलते। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, हम करते क्या हैं? करते क्या हैं? चलो मैं बताऊं। सजदे में झुकाओ तो खुदा मिलता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। लेकिन उस खुशी से महरूम रखा
जिसके लिए हमारी आंखें तरस रही, आज हमारा बेटा ताज 26 साल का हो गया है। हमें उम्र का एक साल और दे ताकि मरने से पहले हम उसे एक बार देख सके। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा आपकी दुआएं कबूल फरमाए आलम पना, लेकिन हम भी आपके सामने दरख्वास्त लेकर आए हैं। कहो मलिका। भाईजान ने पैगाम भेजा है कि शहजादों की तालीम मुकम्मल हो चुकी है, अब आप उनका इम्तिहान ले सकते हैं। अपने भाईजान को पैगाम भिजवा दो कि शहजादों का इम्तिहान खुद ही लेना। नहीं आलम पना, आज तो आपको देखना ही होगा कि हमारे शहजादे निशानाबाजी में कितने माहिर हो चुके हैं, क्या तलवार चलाते हैं। अब्बा हुजूर, शेर चीते हमारी खुशबू से ही भाग जाते हैं। चलो वो रहा शिकार। अब क्या नहीं जाती सर। बुजुर्ग तो है जो भाग गए, मैं तो बहादुर हूँ। तुम इस तरह से शेर का पीछा करो। अरे कौन है? गुस्ताख। ये बंदे का नाम गुस्ताख नहीं, बदलू है। बदलू है ना जी। अभी तेरी शक्ल बदल देता हूँ। भाईजान, जंगल में शिकार नहीं मिला तो इंसान पर हाथ उठाने लगे। इसे तुम इंसान कहते हो? इसने एक शहजादे की शान में गुस्ताखी की और तुम्हें बादशाह के हुजूर में गुस्ताखी कर रहे हो। आप और बादशाह? जानते हो मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। क्या हम बेताज बादशाह का नाम पूछ सकते हैं? इस बेताज बादशाह को हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्या हुआ? हमारी आंखों को क्या हुआ? हमें एक चलो वहां पे। चलो बाबू चलो। बादशाह की आंखों को क्या हुआ भाईजान? जो कुछ भी हुआ तू क्यों उलझ पड़ा इन लोगों के साथ? चल कहीं से। तू इज्जत की बात करता है बेवकूफ। अगर मैं वहां नहीं होता तो मिट्टी में मिल गया होता। संभालो अपने बदलों को। अगर मैं वहां नहीं पहुंचता तो इसकी हड्डी पसली एक हो जाती। क्या हुआ था? शिकारियों से झगड़ पड़ा। आज चोट आने की नौबत नहीं आई और वो भाग गए। अम्मी जान। कौन भाग गए? किसकी बात कर रहा है? अम्मी
अजीब बात हुई। बादशाह शिकार के लिए आया हुआ था। हाँ, उसने मेरा नाम पूछा और मैंने अपना नाम बताया ही था। उसकी आंखों में दर्द की टीस उठी। उसके बाद वो कहने लगा, अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ अम्मी जान, ऐसे लगा जैसे वो मुझे देखते ही अंधा हो गया। आप परेशान क्यों हो गई अम्मी जान? क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। ताज, मैं 26 साल से अपने दामन से छुपाए तुझे जंगल में लिए बैठी रही, मगर तुझसे 1 साल इंतजार न किया गया। क्यों गया था उनके सामने? अम्मी जान, मुझे क्या मालूम था? तुझे क्या मालूम कि किस्मत में क्या लिखा है? कौन थे वो? क्या लिखा था किस्मत? लिखा था, अगर 27 साल से पहले वो तेरा मुंह देख लेंगे तो उनकी आंखें चली जाएंगी। उनकी आंखें चली गई ताज, हमारी उस कुर्बानी का सिला ना मिल पाया जिसके लिए हमें एक मलिका होते हुए जंगलों में जिंदगी गुजार दी। हाँ, और मलिका? हम नहीं जानते थे कि हमारी छोटी सी गलती हमसे इतनी बड़ी कीमत वसूल करेगी। गलती? आपने क्या गलती की है? हमसे ये गलती हो गई कि तुम्हें तुम्हारी अच्छी ने भी बताई, तुम्हें ये ना बताया कि तुम उन्हीं के बेटे हो जिनकी आंखों के चिराग तुम्हें देखते ही गुल हो गए। अम्मी जान, हम सच कह रहे हैं ताज, तुम उसी बादशाह के बेटे हो जिनकी आंखें तुम्हें देखने के लिए से जाती रही। तो क्या वही मेरे अब्बा थे? वो आपका बेटा ताज था आलमपना, जिसे देख कर आपकी आंखें जाती रही। क्या कहा? वो हमारा बेटा ताज था? हाँ हुज़ूर अनवर, बदकिस्मती से शहजादे को आपने वक्त से पहले देख लिया। बदकिस्मती इस बात की नहीं कि हमने उसे देखी, बल्कि अफसोस इस बात का है कि हम उसे जी भर के बिना देख। दिल छोटा नहीं करते आलिया, हमारे शहजादे आपकी आंखों का नूर बनकर रहे हैं। नहीं नहीं मलिका, हम अपनी आंखें हासिल करना चाहते, हम अपने बेटे ताज के दीदार करना चाहते। हकीम साहब, दुनिया की हर बीमारी की शफा आपके पास, क्या इस बदनसीब बाप की आंखों का इलाज आप नहीं कर सकते? आपकी आंखों का जाना कोई बीमारी नहीं है आलिया, बदनसीबी है, और बिगड़े हुए नसीब को बनाना हकीम के हाथ नहीं, खुदा के हाथ है। खुदा, खुदावंदा तो हमसे सब कुछ ही, लेकिन हमारी आंखें हमें वापस दे। ये सल्तनत, ये खजाने, ये माल दौलत सब कुछ ले ले, सिर्फ हमारी आंखों के दो बुझे हुए चराग फिर से रोशन कर। हमें रोशनी दे दे खुदावंदा, हमें रोशनी। बात से खलावत, खुदा पर भरोसा रखिए। आप तो आने वाले दिनों का हाल जानते, जमीन और सितारों की गर्दिश का इल्म है। क्या आप नहीं बता सकते कि हमारे सितारे कब बदले, हम अपने नूर नजर को कब देख सके? नजूमी साहब, खुदा के लिए कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए नजूमी साहब। एक इलाज है बादशाह साहब। तो फिर बताते क्यों? हम अपनी सारी फौजें इस काम पर लगा देंगे, दुनिया भर के शहसूर इकट्ठे कर देंगे और ऐलान करा देंगे, जो इस इलाज को लेके आएगा हम उसे अपनी आधी सल्तनत इनाम में दे देंगे। लेकिन वो इलाज हासिल करने के लिए फौजों या शहजोरों की जरूरत नहीं आलम पना, वो इलाज सिर्फ आपके बेटे ही हासिल कर सकते हैं। हमारे बेटे, हमारे बेटे। फरमाइए नजूमी साहब, वो कौन सा इलाज है? हम अपने अब्बा जान के लिए जरूर पूरा करके रहेंगे और हम अपने अब्बा जान की आंखें जरूर वापस लाएंगे और फिर आदि सल्तनत के मालिक भी बन जाएंगे। कह दो कि सबके सामने ऐसी बातें नहीं करती। कहिए रजूमी साहब। हाँ आलम पना, अगर वो नया फूल आपकी आंखों पे लगाया जाए तो आपकी आंखें वापस आ सकती। कहाँ मिलेगा वो? परिस्तान, ये फूल परियों के शहजादी बकावली के महल में, लेकिन वहां तक पहुंचना इंसानी ताकत के बाहर। तो इसका ये मतलब हुआ कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते? क्यों?
क्योंकि हमारे दिल में खुदा के अलावा आपका भी डर है और बाप का डर होना चाहिए ना, क्योंकि हम तीनों अच्छे बच्चे हैं ना। वजीर आजम, इनके जाने का बंदोबस्त किया जाए। ये क्या कह रहे हैं बादशाह सलामत, क्या आपने सुना नहीं कि रास्ते में कितने खतरात हैं? सुन लिया है मलका, लेकिन खतरात से घबराना शहजादों का काम है। ताज भी तो आपका बेटा है, आप उसे गुले बकावले लेने के लिए क्यों नहीं भेजते? आखिर उस पर भी तो आपका हक है। मलका, जिस बेटे को हमने कभी बाप की मोहब्बत ना दी हो, उस पर बाप का हक किस तरह जिता सकते हैं? अब्बा जान, हक उससे पहले ही मांग लीजिए, मोहब्बत बाद में देना। गुले बकावली लाने के लिए तुम तीनों को जाना पड़ेगा। अब्बा जान, कुछ तो हमारे बचपने पर तरस खाइए, कुछ थोड़ा सा। अभी तो हम शादी के लायक भी नहीं हुए अब्बा जान, है ना भाई जान? ठीक कह रहे हो। नहीं बादशाह सलाम, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। तीनों शहजादे कल परिस्तान के लिए रवाना हो जाए, ये हमारा हुक्म है। अब क्या होगा? होगा क्या, जाना ही पड़ेगा। ये परिस्तान है किधर? मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ से दूर, बहुत दूर, मगरिब की तरफ। सालगिरह मुबारक। चलो हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। आज साल का वो दिन है जिस दिन हम शहजादी बकौली की सालगिरह मनाने के साथ साथ इस मुकद्दस फूल बकौली की कसम फिर से खाते हैं। जिस दिन ये मुकद्दस फूल परस्तान से चला गया, परस्तान जलकर खाक हो जाएगा। शैतान इमरत बिन जिन्नात उसी दिन परस्तान में दाखिल हो सकेगा,
जिस दिन गुले बकौली परेशान में न होगा। आओ आज हम फिर सब मिलकर गुले बकौली की हिफाजत की कसम तह दिल से खाएं। कहाँ की तैयारी कर ली ताज? अब्बा हुजूर की आंखें मेरी ही वजह से गई हैं और अब मेरा ही फर्ज है कि गुले बकावली लाकर उनकी आंखों का नूर वापस ला। लेकिन ताज तुमने अपनी मौसी के मुंह से नहीं सुना कि गुले बकावली लाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जानता हूँ। खौफनाक जंगल, खूंखार जानवर, आतंकवाद, जिन इन सब का मुकाबला करने के बाद ही कोई वहाँ तक पहुँच सकता है। मेरा इम्तिहान मत, आप ही ने तो मुझे फर्ज के रास्ते पर चलना सिखाया है, अब आप ही मुझे रोक रहे हैं। खुदा ने हमसे सब कुछ छीन लिया लेकिन तुम्हारे जैसा दिलेर बेटा हमें दे दिया। जाओ ताज, खुदा तुम्हारा निगेबान है। और मुझे कोई फिक्र नहीं, सोचता हूँ मेरे जाने के बाद आप अकेले रह जाएंगे। अकेले क्या रह जाएंगे, मैं जो हूँ। फिर मैं भी जो साथ में हूँ। नहीं, तो ताज के साथ जाएगा। ताज के साथ? ना बाबा ना, तू भी अपने बेटे को वहीं भेज रही है और आप भी तो अपने बेटे को वहीं भेज रही है। ये तो हमारा फर्ज है और मैंने भी जिंदगी भर आपका नमक खाया, मेरा भी तो कुछ फर्ज है। लेकिन मैं अपना फर्ज यहाँ रहकर पा सकता हूँ। चुप रह, बुझते। अब बुझते लो तक नहीं जा रहा हूँ कि भाईजान मैं बेचारा वहाँ जाकर क्या करूँगा? तू बेचारा वहाँ जाकर बहादुर बनेगा, जा तैयार कर। चलो मम्मी जान, मेरी मौत का सामान बांध दो। चल। देखो बेटा ये तलवार साथ ले जाओ, तुम्हारी हर मुसीबत में काम आएगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज अम्मी जान। खुदा हाफिज मेरे बच्चे। खुदा हाफिज। हमने बहुत सोचा लेकिन अभी तक फैसला नहीं कर सके कि तुम्हारी बाल गिरफ्त पर हम तुम्हें क्या तोहफा दें, इसलिए तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब्बा हुजूर, हम दुनिया की सैर करेंगे। दुनिया की सैर? हम जानते थे आप नहीं मानेंगे। नहीं नहीं बेटी, तुम जरूर जाओ लेकिन एक वादा। वो क्या? इस जमीन पर नहीं उतरोगी और किसी आदमसाज से मिलोगी। जैसा आप कहें। शाबाश नादिरा, किसके साथ तुम? भाईजान, क्या हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं? करो हाँ। मैं पूछ कर बताता हूँ। छोटे जी, हम लोग ठीक रास्ते पर जा रहे हैं ना? मैं पूछ कर बताता हूँ। पूछ, जल्दी पूछ भाई, हम निकल गए। ए बलनिया, ए बलनिया, अंदर लौट के आओ। और आने दे, आने दे, आने दे, बस बांध दे, बस बांध दे, बांध दे। बड़े मियाँ, क्या आप जानते हैं कि परिस्तान को कौन सा रास्ता जाता है? हाँ जानता हूँ, जानता है, जानता हूँ। अरे भाई बड़े मियाँ, अब मेरा मतलब है बड़े मियाँ कि ये रास्ता कहाँ जाता है? मैंने तो पिछले 20 सालों से इसे कहीं आते जाते नहीं देखा। अच्छा। पहले भी यही था, अब भी यही है। अरे सिर्फ आप आते जाते हैं, जरा वापस आइए। कुल बात नहीं, कान अपने है। आप कहाँ जा रहे हैं? कब्रिस्तान को। कभी चलेंगे भाईजान? भाईजान, भाईजान, मैं शेर को बुलाऊं। अब क्या होगा भाई? चलो मर जाए। हाँ सुना है कि मरे हुए शिकार को शेर नहीं खाता। मर जाए इस भरी जवानी में? अबे बेवकूफ, सचमुच में झूठ। जल्दी मर जाए, छांव में आओ, छांव में मर जाए। भाईजान आप ऐसे मरिए, छोटे तू ऐसे मार। अच्छा जल्दी मार, और मैं यूं मरता हूँ। अरे ये बदलू, ये तो हमारे भाईजान है। भाईजान भाईजान, मैं ताज हूँ। ताज भाई आप, अरे उठो उठो उठो, शेर नहीं, ताज भाई है, ये अपने ताज भाई है। ताज भाई, ताज भाई आप कहाँ जा रहे थे? मैं गुले बकावली जाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो ताज भाई आप हैं जिनकी वजह से अब्बा हुजूर की आंखें जाती रही? जी हाँ, मैं वही बदनसीब हूँ। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, गुले बकावली लाकर ही दम लूंगा। लेकिन भाईजान हम भी गुले बकावली में भी जा रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है, साथ रहे। चलिए चलिए चलिए। लेकिन अगर गोले बकावली इसको मिल गया तो ये आधी संस्कृत का मालिक हो जाएगा। हाँ तुम फिक्र मत करो। हाँ मैंने सब कुछ सोच लिया है। अच्छा सुनो, अब
भाईजान भाईजान मुझे खोली भाईजान। ये क्या है, किसने ये हरकत की है? हम कहाँ हैं? तुम्हारे तीनों भाई कहाँ हैं? मालूम होता है ये उन तीनों की शरारत है। कोई मुसीबत में थे, चलो उनकी मदद करें। मगर मगर क्या, चलो चलो। ऐसे नहीं, उन्हें ये शक न हो जाए कि हम परियां हैं। तो ऐसे हम आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं? माफ कीजिएगा, मेरा मतलब ये नहीं था। आपकी कुछ मदद की जाए? मदद पूछ के की नहीं जाती मोहतरमा, जाइए हम खुद आजाद हो जाएंगे। चलो चले, ठहरो जरा तमाशा देखिए। देखो देखो ये तमाशा बहुत देर तक चलेगा। माफी मांग लीजिए, फिर शुक्रिया कबूल कर लिया जाएगा। जी हमने कोई बदतमीजी तो नहीं की थी, दरअसल आज से पहले हमने कभी आदमी नहीं देखा। ओ क्यों नहीं क्यों नहीं, आप सीधे परिस्थान से आ रही हैं? अरे अरे ये तो हमें पहचान गए। जी कुछ नहीं, चलिए हम अपनी बदतमीजी की माफी मांगते हैं, अब तो शुक्रिया कबूल कर लीजिए। कबूल किया, लेकिन ये तो बताइए आप इस खौफनाक जंगल में कहाँ जा रही हैं? जी सफर पे। बेसरो सामान की हालत में? अपना सामान? हाँ सामान तो अपना वहीं रह गया, जंगल का सामान लेके आ। सामान सामान? अच्छा अच्छा बदलो जा अपना सामान बांध। जी भाई जा। आप कहाँ तक जा रहे हैं? यही अगले पड़ाव तक। अरे वाह हम भी वहीं जा रहे हैं, साथ सही कहा। आपका नाम? जी मुझे ताज कहते हैं। और आप? मेरा नाम मेरा नाम नौशीना है। नौशीना, काफी नशीला नाम है। चलिए चलिए। आइए मेहरबान, 25 के 50, 50 के 100 बनाइए। लैला लतीफ के 14 पे आइए, बाजी दिखाइए। आइए आइए नसीब आजमाइए। भाई जरा फिर से बोलना। 25 के 50, 50 के 100, 50 के 100 नकद? बिल्कुल नकद। अरे जीत रहो मेरे चूंदर। भाई आइए आइए।
यार, इन कहर की नजरों से मत देखिए। हमारे भैया का मतलब है कि मार मार मार। किस उस्ताद से तालीम हासिल की है आप लोगों ने? हमने अपने मामू जान से सब कुछ सीखा है, वो हमारे जैसे ही हैं। मैं आप लोगों की क्या खिदमत कर सकती हूँ? कुछ नाश्ता वाश्ता? नया घर है आती नाश्ता। खुद ही ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया है और हमसे पूछते क्या खिदमत कर सकती हूँ। भैया बता जी, आपसे हम एक एक दो दो जुए की बाजी खेलने आए। अच्छा, तो आप लोग जुए का शौक फरमाने आए? तो तशरीफ ले आइए। तशरीफ ले आइए। आइए भैया। माल इधर। एक एक हाथ और हो जाए। अजी, अब तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप कहें तो हम लोग अपनी अपनी समझ गया। पोशाक उतार, पोशाक उतार। छोटे किधर अटका हुआ है? पोशाक उतार। हाँ, भैया अब तो लिबास भी हार गए। और कुछ? लेकिन हमारे पास अब रही क्या गया है, मेरा बाया जूता भी दीजिए। अपने आप को लगा दो, अगर जीत गए तो ये सब माल वापस मिल जाएगा। और अगर हम हार गए तो तुम्हारे हो जाएंगे। जी है? तो भैया लगा दो, हम जरूर हारेंगे। बताओ चालू कीजिए। भैया हम हार गए, यह बीमारी हो गई। खामोश बदतमीज, कमीज तो हम तुम्हारे नहीं हुए। अच्छा, बल्कि तुम हमारे गुलाम हो गए। गुलाम? हाँ गुलाम। बोलो क्या काम करोगे? जूतों की सफाई, घोड़ों को नहलाना धोलाना या खाना बनाना, तुम लोगों को क्या काम आता है? खामोश, जबान संभाल के बात करो। जानती नहीं हो हम लोग शहजादे हैं? जो भाईजान तीनों शहजादे, यानी के शहजादे। बिल्कुल। क्या हुआ? हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे? खाना बनाएंगे, ना पकाएंगे। ले जाओ इन्हें बाजू में। नाजिरा, वो लोग अभी आते होंगे, उनके खाने का कुछ इंतजाम किया जाए। आखिर ये क्या पागलपन है? कौन सा? यही के आदम के पीछे पीछे घूमने का। जानती हो, तुम्हारे अब्बा को पता चल जाएगा तो गजब हो जाएगा। गजब तो कब का हो चुका नादिरा, ऐसा लगता है जैसे हमें कुछ हो गया है। कोई आंखों से दूर हो तो जी चाहता है आंखों में बिठा लो, और आंखों के सामने आ जाए तो नजरें छुप जाती हैं। खुदा बचाए, ये अलामतें सब इश्क की हैं। मेरा कहना मान, छोड़ इस ख्याल को, चल चले। चल नाम। ये देखकर उन्हें शक नहीं हो जाएगा? अगर खिलाना है तो ये खिलाओ। आपके लिए खाना। इस सुनसान जंगल में इतना अच्छा खाना? सफर पे हम पूरी तैयारी के साथ निकले थे। ओ, आप हमारे लिए बहुत तकलीफ उठा रहे हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। आप खाना खाइए। शुक्रिया। हम आपके लिए सोने का इंतजाम करते हैं। अब भाईजान, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। अबे चाल के बच्चे अपनी खाल में रहे। चल बिस्मिल्लाह करें। ये किस लिए? उनके सोने के लिए। ऐसे नहीं, ऐसे। तू यू नहीं मानेगी, ले। दगा दगा भाई भाई भाई। किसको मारने की तैयारी है? जी किसे भी नहीं। बहुत खूबसूरत जी। सुनिए, इस
इसको क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सोने से पहले इसी तरह खुदा को याद किया करती है। खुदा को ऐसे याद करती है? अब खुदा तुम्हारी मुरादें पूरी करे। तुम जाकर सो जाओ। शब खैर। शब खैर। शब खैर। भाईजान, हाँ, वो कहती है
मैं बैंगन और कद्दू नहीं खाऊंगी, गोश्त बिरयानी खाऊंगी। पर आप तो जानते हैं मुझे गोश्त बिरयानी बनानी नहीं आती। भाईजान आप भी कमाल करते हैं, कितना बरसों आपने गोश्त बिरयानी खाई है, बनानी नहीं आती। कोई बात नहीं, देखिए बड़ी आसान सी चीज है, जितने चावलों की बिरयानी बनानी हो ना उतने में नमक मिर्ची मसाला मिलाकर बकरे को खिला दीजिए, छुट्टी। मुन्ना ने वाह वाह, दोनों का जवाब नहीं, चावल बकरी को खिला दूंगा तो बिरयानी कैसे बनाऊंगा? नहीं समझे आप, किबला चावल खिलाने के बाद बकरे की टांगे बांधकर बेग में चढ़ा दीजिए, छुट्टी। तो भाई जान अरे वाह, मैं बिरयानी बना देता हूँ, जरूर बनाइए। भाई जान तो पानी पानी हो गया, अबे तो थोड़ा उसमें सूखा आटा मिला ले। हाँ गुलाब सुनो, चबाए चबा के बात करो, हम शहजादे हैं। वक्त अभी क्या हुआ यूसुफ? अरे भाईजान चावल खाओ चावल, अरे चावल खाओ, ये घास मत खाओ, कहीं बिरयानी में घास निकल आया तो मेरी गर्दन उड़ा देगी। वो चावल इधर हूँ भाईजान, इधर हूँ, बिरयानी बना रहा हूँ। बिरयानी बिरयानी बना रहा है बकरे में चावल खिला रहा है? शायद आपको बिरयानी बनानी नहीं आती, मेरे छोटे भाई ने कहा है वो बिरयानी बनाना जानता है, उसने कहा था कि मिर्ची मसाला मिलाकर चावल बकरे को खिला दे और बकरे की चारों टांग बांधकर उसको डेक्ची में चढ़ा दे, बिरयानी तैयार। मम्मा आओ बिरयानी बनाने में मदद करो, ले जाओ किसी बकरे को ढाले भाई जान, आपको तमाशा दिखाओ। अरे तमाशा की सूची है और वहाँ सराय में वो हमारी इंतजार कर रही होंगी। आपके भाइयों का तमाशा है, देखिए अपने आप को। भाइयों का तमाशा हुआ अच्छा, कौन को लाओ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अंदर जाने की इजाजत नहीं है। छोड़ाने आया हूँ, इन्हें छोड़ दो वरना मैं यहाँ की ईंट ईंट बजा दूंगा।
लेकिन ये हमारे गुलाम हैं, हमने इन्हें जुए में जीता है, जबरदस्ती नहीं पकड़ा। जो आप इन्हें जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इन्हें ले जाना ही चाहते हैं तो एक ही तरीका है, जुआ खेलिए, जीतिए और इन्हें ले जाइए। मंजूर? मैं जुआ नहीं खेलता भाईजान, हमें आजाद कराने के लिए आज खेल लीजिए। हाँ भाईजान, हमारी खातिर आज जुआ खेल लीजिए। अच्छा, मैं जुआ खेलने के लिए तैयार हूँ। दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। अपने आप को लगा दीजिए। जी? शायद आप जीत कर अपने भाइयों को आजाद करा सके। ठीक, एक दांव और सही। अब आप मेरे गुलाम, लेकिन एक चीज अब भी आप दांव पर लगा सकते हैं। वो क्या? आपका दोस्त। आपका मतलब है मेरा दोस्त बदलू? जी बदलू, बदलू। और गुलाम बना दिए गए। क्या गुलाम बना दिए गए? नादिरा, ये आपसे मिलने आई। आइए, माउस की जगह मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं ताज और उनके भाइयों को आजाद कराने आई हूँ। ओह, तशरीफ ले आइए। जी नहीं, जुआ खेल कर नहीं। तो सुने हैं आप अपने रक्स की माहिर हैं, यहाँ की बेनजीर रकाशा, नवाजिश है चाहने वालों की। नाच गाने से थोड़ा सा मुझे भी लगाव है, खुशी हुई सुनकर। तो ये सुनकर आपको और भी खुशी होगी, नाच गाने में मैं आपका मुकाबला करना चाहती हूँ। हमसे मुकाबला? हाँ, अगर जीत गई तो ताज और उनके भाइयों को आप आजाद कर देंगी, और अगर हार गई तो मैं भी ताज की तरह आपकी गुलाम हो जाऊंगी। हमें मंजूर है? है खुदाई इसी का है जहाँ, कोई इसी का है जहाँ। जवानी को शरीर हो शौक नजरों की जरूरत है, जवानी हो कयामत है जो हद से खूबसूरत है। जवानी जिंदगी का हुस्न है, जाने दो आलम है, नहीं जाने दो आलम क्या है। ईमाने दो आलम है, ईमाने दो आलम है, ईमाने दो आलम है। अल्लाह रे किससे कहिए जवानी का समां, खुद ही मैं खाना। जवानी का नशा सबको बना देता है दीवाना, जवानी में वो मस्ती है जो मैं खानों को ले डूबे। जवानी रोश में आए तो तूफानों को ले डूबे। जवानी वो है जिसके एक हल्के से इशारे पर कफीले दोनों आलम के पहुंच जाए किनारे पर। बदल डाली जवानी
काबू की तबीरे बदल डाली, रवानी ने शहंशाहों की तकदीरे बदल डाली, अल्लाह दे किसे कहिए जवानी का समा, होए 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 होए। हमको माफ कर दीजिए, हमको अपने साथ ले चलिए। आपको साथ ले जाना आपकी मुस्कान को पालना है। आपको मुसीबत में देखकर मदद करना मेरा फर्ज था, लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। भाईजान गए। अच्छा अच्छा अलविदा, ये फिर कब मिलेगा? नौशीना, नौशीना, कहिए। नौशीना, तुमने मुझे और मेरे भाइयों को आजाद करवाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपका शुक्रिया कबूल नहीं। क्यों? इसलिए कि अब हम शुक्रिया अदा करने और कबूल करने की हद से काफी आगे निकल आए हैं। निकल आए हैं ना? हाँ, लेकिन मुझे और भी आगे जाना है। मुझे छोड़कर? काश मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता। मतलब? नौशीना, मुझे एक लंबे सफर पर जाना है। कहाँ? जाने वाले से पूछा नहीं जाता कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन जाने वाला अपना फर्ज समझकर। जरूर, लेकिन सफर से वापस आने के बाद। मुझे अफसोस है। अफसोस किस बात का? मैं जो हूँ बदलो। सामान बांध, मैं सफर का इंतजाम करता हूँ। सफर? नातीदा, ओ नातीदा, आई। परेशान दिखाई देती हो, बात क्या है? तुम बदलू से जाकर पता करो ये लोग कहाँ जा रहे हैं। क्यों, तुम्हें इससे क्या मतलब? जो कहती हूँ वो करो, जाओ। बदलू, मजा आ गया। एक बार फिर प्यार से कह दो बदलू। तुमसे क्या प्यार करो? क्यों जी, तुम तो जा रहे हो ना। क्या करूं, मजबूरी है। कैसी मजबूरी, आखिर कहाँ जा रहे हो तुम? बकावले के वतन। बकावले के वतन? तुम्हारा मतलब फरिश्ता? वहाँ क्या करने जा रहे हो? बकावली से शादी करने। बकावली से शादी करने? क्या आपने कभी उसे देखा है? देखा तो नहीं, लेकिन जब से उसके हुस्न के चर्चे सुने दीवाना हो गया। अच्छा नौशीना, अगली चांद रात को हम यहीं मिलेंगे।
कोई जरूरत नहीं मुझे आपसे मिलने की। क्यों? जो बकाबले के हुस्न का दीवाना हो मुझे उससे क्या? अरे वो तो मजाक था। आपके लिए तो कोई भी बात मजाक से ज्यादा नहीं। पागलपन की बातें न कर, मुझे तुम्हारे सिवा और किसी से मत मिल। अगली चांद की रात याद रहे, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा। लेकिन मैं नहीं आऊंगी, कभी नहीं। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो तुम जरूर आओगे। चलो नादिया। भाईजान वो चली गई। मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है बदलू, वो जरूर आएगी। लेकिन मैं अपनी नादरा की बात कर रहा हूँ। वो भी उसके साथ आएगी। और अगर वो ना आई तो? तो समझ लेंगे कि फर्ज के रास्ते पर हमने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे दी। चलो चलें। ये क्या पागलपन है? अगर वो बकौली से शादी करना चाहता है तो इसमें तुम्हें क्या इतराज है? आखिर बकौली तो तुम्हें हो। ये तो ठीक है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मगर ये नहीं बताना चाहता कि वो कहाँ जा रहा है। मैं इसका पता लगा कर रहूंगी। कैसे? ऐसे मुझे बताएगा, मैं उसकी हो जाऊंगी। भाईजान सुना, वो मेरी हो जाएगी। सुन, वो कह रही है जो मुझे बचाएगा मैं उसकी हो जाऊंगी। ठीक है ठीक है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं हो जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ, चुप रहा। मैं कह रहा हूँ, आप आपस में फैसला कर लीजिए। इस बात का जिसकी नाटी उसकी भैंस। बराबर है, भाईजान फैसला कर लीजिए। फैसला मैं बड़ा हूँ, पहले मेरा। एक बात बोलो, आप मेरे बड़े भाई हैं। उन्हें मारा? दरअसल यहाँ छोटे भाई का है। जरा जल्दी आना, बहुत देर खड़ा रहना पड़ेगा। आप भी हैं जी? मैं आया। जल्दी करो। आ रहा हूँ। अरे लेकिन आओ किधर से? इस पत्थर को हटा कर आ जाओ। पत्थर को हटा के? अच्छा कोशिश करता हूँ। जाने मन, पत्थरों को हटाकर सगे भाइयों को गिराकर मैं तेरे हुजूर में आ गया हूँ। मैं भी इस कैद से निकलकर तुम्हारी बाहों में आ जाना चाहती हूँ। अरे जियो हसीना जियो, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। हसीना अपने रुखे रोशन से पर्दा तो उठाओ, मुझे शर्म आती है। कोई बात नहीं, हम ये बेशरम बन जाते हैं। हाँ तुम्हारा कहना भी ठीक है, लेकिन हमने जब से बकावली को देखा है हमारी रातों की नींद दिन का चैन हराम हो गया है। मैं सब जानता हूँ शहजादे, बस परिस्तान पहुँचने की देर है, बात पक्की हो जाएगी। सुना भाईजान, ये लोग भी वहीं जा रहे हैं। कौन कौन है आप? हम राहगीर हैं। राहगीर तो रास्ते पर चलते हैं, इस जंगलों में नहीं भटकते। मगर आप भी तो इन्हीं जंगलों में? जी नहीं, हम तो उड़कर पहुंचे। कोई मामा उड़कर? हाँ जी, इनका मतलब है परवाज़े इश्क से। आशिक सादे आसमान पर जाते हैं और लौटकर फिर वही आ जाते हैं, आप क्या समझें? जनाब कभी इश्क किया है आपने? इश्क तो जरूर किया है, लेकिन सातवें आसमान तक नहीं पहुँचे। पहुँच जाएंगे पहुँच जाएंगे। और माफ कीजिएगा, ये बताइए कि जिस लड़की से आप इश्क करते हैं वो आसमान पर रहने वाली कोई परी है या जमीन पर बसने वाली कोई हसीना? साहबजादे, हवा की जिस बेटी को हमने दिल दिया है, अगर आसमान की परी भी उसे देख ले तो वो भी शर्मा जाए। ओ, तो क्या उसी की तलाश में आप बियाबानों की खाक छान रहे हैं? जी नहीं, इश्क की मंजिल तो हम पीछे छोड़ा है, अब तो हम फर्ज के रास्ते पे चल रहे हैं।
लौटते वक्त फिर वहीं से गुजरेंगे जहां जहां क्या जहां हुस्न इश्क से नाराज हो गया था। खैर ये तो बताइए कि आपकी मंजिल कहाँ है? जहाँ आपकी हमारा मतलब है परिस्तान। परिस्तान? आपको किसने कहा कि हम परिस्तान जा रहे हैं? अजी हम इल्म नजूम भी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि तुम्हारी महबूबा का नाम नौशीना है। हाँ? और हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी महबूबा ने जब पहली बार अपना नाम बताते हुए कहा था नौशीना, तो तुमने कहा था काफी नशीला नाम है। ठीक है ठीक है, और कुछ बताइए। मगर अब वो तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी है, इसलिए कि तुमने उसे अपने दिल का राज नहीं बताया। लेकिन ये बात अब उस तक कैसे पहुंचाई जा सकती है? इसका इंतजाम भी हम करते हैं। हमारा ये साथी यहीं से वापस जा रहा है, तुम्हारा पैगाम पहुंचा देगा। तो हाँ हाँ, घबराइए नहीं, हमें अपना ही समझिए। तो नौशेना से कहते हैं इन्हें किस जुर्म में तुमने गिरफ्तार किया? मैं पूछता हूं इन्हें क्यों गिरफ्तार किया? इजाज़त, हमारी जमीन कदम और तुम भी कदम। जिंगर 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 जिं
झिंगर झिंगर चाय लाई गो चाय लाई गो झिंगर 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 कर दिया। तुम्हारे गाने में इतना जादू था कि सबके सब बुत बन गए। मैं भाइयों को छुड़ा कर आता हूँ। जल्दी से कपड़े बदल, चलो चलो। देखना अब अपने आप दोनों चले आएंगे हमारे पीछे पीछे। मगर नादिरा, तू भी मेरी तरह अपने बदले से बात नहीं करना। लेकिन रोशना, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। देखा, दिल में कुछ, जुबान पर कुछ। वहाँ हुजूर फरमा रहे थे बकावली से शादी करने जा रहा हूँ, और यहाँ नौशीना से इसका दावा करती है। अब तुम ये बताओ, इनको क्या सजा दी जाए? सर तस्लीम हम है जो मिजाज यार में आए। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। इश्क का इम्तिहान न लो, ये इम्तिहान महंगा पड़ेगा। हमारी बला से। अगर इतनी नफरत थी तो हमारे पीछे पीछे क्यों आए? इसलिए क्या जवाब? छोड़िए हमारा हाथ। अगर इस जिंदगी के बाद कोई और जिंदगी होती, और इस जिंदगी के बाद भी कोई और जिंदगी होती, तो भी यह हाथ हमारे हाथ में रहता। और दिल का राज दिल में? हमारे दिल में कोई राज नहीं, यकीन जान। हम अब्बा जान की आंखों का इलाज करने के लिए जा रहे थे। रास्ते के खतरात की वजह से हम चाहते थे कि तुम हमारे साथ ना हो। हम समझते थे आप बकावली से शादी करने जा रहे हैं। अब तो गलतफहमी दूर हो गई। बेटी बकौली जमीन पर एक आदमदाद के इश्क में मुब्तला है। यह क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने अपनी आंखों से देखा? जी। और जो हमसे तुमने वादा किया था उसका क्या हुआ? हमने तुम्हें जमीन पर उतरने और आदमदार से मिलने के लिए मना किया था ना? अब हम चुप रहो। हम तुम्हारी छोटी सी जिद पूरा करने के लिए अपनी इज्जत हाथ में नहीं मिला सकते। हम कुछ नहीं सुनना चाहते। कभी साथ साथ चलना न हुआ नसीब मुझको, कभी बढ़ गया मैं आगे, कभी बढ़ गया जमाना। मेरी जिंदगी है हरदम इन दो ही मंजिलों में, कभी हंस के आना, कभी रो के मुस्कुराना। तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जाता, बोलो हम तुम्हारी क्या मदद करें?
अब मौत के सिवा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, अगर हो सके तो उस बदनसीब की मदद कीजिए जो हमारे लिए जंगलों में भटकता होगा। लेकिन बकावली, उसकी मदद करने का मतलब है शाहे परेशान के हुक्म अदूली करना। मेरी खातून थी, हम ये नहीं चाहते कि ताज को यहाँ बुला लें। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं उसे उड़न खटोला दे दीजिए ताकि वो सही सलामत वापस पहुँच जाए। और अगर वो उड़न खटोला लेकर यहाँ आ गया तो? नहीं, वो यहाँ नहीं आएगा क्योंकि वो ये नहीं जानता कि मैं बकावली हूँ और परेशान में रहती हूँ। खातून भी, इससे पहले कि उसके जान पर कोई मुसीबत बने उसे जंगलों से वापस भेज दीजिए। अच्छा बकावली। खातून ने यह अंगूठी और ये उड़न खटोला भेजा है आपके लिए। आप जहाँ भी जाना चाहेंगे ये उड़न खटोला आपको ले जाएगा और ये अंगूठी आपको हर मुसीबत से छुटकारा दिलाएगी। लेकिन ये खातून कौन है, उन्हें मुझसे क्या हमदर्दी? अरे ये कहाँ गायब हो गया? आपके मुझे बहुत मारा। कहाँ है वो? मालूम नहीं। महमूद, महमूद, छोटे, चलो उस पर बैठ चले और उड़ चले। अच्छा, अरे उधर नहीं, इस पर, इस पर। अच्छा, अच्छा। फिर धोखा दे रहे। कोई बात नहीं, चलो बस। भाईजान निकला है, पहले यहाँ उतरे कुछ फल वगैरह खा ले ताकि परेशान जिन्हों से लड़ने की भी ताकत आए। जिंदगी में तूने पहली बार अकल की बात की। चल भाई उड़न खटोले, ऐसे फल खिलाते जो जिंदगी में कभी न खाए। चामन के झाड़ में केले। मैं तो चला किधर? नाशपाती खाओ। क्या हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी चलेंगे। चलो हमें तो शर्म शर्म आती है।
बाल हो गई बर्बादियाँ बर्बादियाँ शाहजादों से बनी शहजादियाँ शहजादियाँ आँख अंडा मुँह टमाटर नाक है जैसे कलम ऊँट जैसे कद है इनके है हवायाँ के गरम इतने बदले हाय आने लगी अब तो शर्म आने लगी अब तो शर्म क्या हुआ क्या हुआ मुझे क्या हुआ है क्या पता रह जाने क्यों बचल रहा है आज दिल मेरा है प्यार की नगर पे कोई तुझे ले चला रहे कौन है वो कौन है हमें भी तो बता क्या हुआ ये मुझे क्या हुआ रे क्या पता रह जाने क्यों मैं कर रहा है आज दिल मेरा रे प्यार की नगर पे कोई तुझे ले चला रे कौन है वो कौन है हमें भी तो बता क्या हुआ जाने क्यों मैं चल रहा है आज दिल मेरा है प्यार की नगर पे कोई तुझे ले चला रहा है कौन है वो कौन है हमें भी तो बता क्या हुआ हाय रे इतनी नजाकत आ गई हाय आ गई जो अंगड़ाई कमर बल खा गई आए फड़फड़ाई बाह भी जख्मी कबूतर की तरह गर्दनों में बांकपन है बुलबुले तर की तरह उड़ने उड़ने लगे हैं मोर के पर की तरह मोर के पर की तरह क्या हुआ क्या हुआ मुझे क्या हुआ रे क्या पता रह जाने क्यों मैं चल रहा है आज दिल मेरा रे प्यार की नगर पे कोई तुझे ले चला रे कौन है वो कौन है हमें भी तो बता क्या हुआ और हो क्या हुआ ये हमें क्या हुआ ए माँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ये मुझे क्या हुआ रे क्या पता रह जाने क्यों मैं चल रहा है आज दिल मेरा प्यार की नगर पे कोई तुझे ले चला रहे कौन है वो कौन है हमें भी तो बता क्या हुआ हम बहुत खुश हुए लौंडी इन तीनों की तरफ से आधा बजा लाती है लौंडी नहीं तुम हमारी बेगम बनोगी नहीं हमारा निकाह होगा निकाह सिंगादर जी हम आदमी हैं औरतें नहीं चुप वो तो शक्ल से ही दिखाई दे रही हो या खुदा अब क्या होगा अरे बहन फिक्र मत करो निकाह के बाद तलाक भी हो सकता है बंद करो बंद हो गई चलो हमारे चलो हमारे चलो भाई जान भाई जान भाई जान भाई जान भाईजान इसकी क्या जरूरत है अंगूठी दिखा दो बताइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं इन्हें इनकी असली हालत पर ले आओ और आजाद कर दो भाईजान तुम जैसे मक्कार चोरों के मुंह से हम शुक्रिया सुनना पसंद नहीं करते कहाँ है वो तब वो जा झाड़ी के पीछे होगा चलो बदलो हमें भी अपने साथ हम आपको अपने साथ नहीं ले जाएंगे क्योंकि आप लोग फिर धोखा देंगे भाईजान माफ कर दीजिए एक शर्त पर किस शर्त पूरन खटोले के साथ लटक जाइए और चलिए अच्छा मजबूर लटकते परिस्थान चलो
अपने साथियों को भी रोक ले। एक कदम आगे बढ़े तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि जिसे खुदा ने बनाया है उसे मौत की धमकी कौन देता है। तुम्हें अभी पता चल जाएगा। हमारी ताकत हमारी ताकत। हमने तुम्हारी ताकत देखी, लेकिन तुमने मेरे खुदा की खुदाई नहीं देखी। अच्छा, तो खुदाई दावा करते हो? नहीं, खुदा पर भरोसा रखता हूँ। और अब तुम देखोगे कि खुदा पर मेरा यकीन तुम्हारी जादुई ताकत को कैसे तोड़ता है। नौशीना, तुम यहाँ? मैं नौशीना नहीं, बकावली हूँ। बकावली? हाँ, परिस्तान की शहजादी। ताज, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। नहीं बेटी, ताज की जिंदगी को यहाँ कोई खतरा नहीं। हमने ऐसा बहादुर और खुदा परस्त इंसान कभी नहीं देखा। अगर हम भूल नहीं कर रहे तो ये वही आदमजाद है जिससे तुमने कभी कुछ वादा किया। तुम्हारा वादा पूरा हो, हम आज ही तुम्हारी शादी कर देंगे। आदमजात और परिस्तान की शहजादी के मिलाप को खुदा हमेशा बनाए रखे। शुक्रिया शाह परिस्तान। ताज, आज के रोज हम तुम्हें मुंह मांगा तोहफा देना चाहते हैं।
बताओ परिस्तान की कौन सी चीज तुम्हें ज्यादा पसंद है? बोलो कौन सी चीज पसंद है? गुले बकावली। गुले बकावली? ये तुमने क्या मांग लिया ताज? मैं गुले बकावली लेने यहाँ आया था शायद। लेकिन हम तुम्हें गुले बकावली किसी कीमत पर नहीं दे सकते। तो इसका यह मतलब है कि शाह परिस्तान अपने वादे से फिर गए? नहीं ताज, शाह परिस्तान अपनी जिंदगी देकर तो अपने वादे को निभा सकते हैं, लेकिन परिस्तान की जिंदगी देकर नहीं। तो इसका यह मतलब है कि ताज, आखिर तुम ये फूल क्यों हासिल करना चाहते हो? ये हमारे अब्बा की आंखों का सवाल है। यह हमारी जिंदगियों का सवाल है ताज। अगर ये तुम समझते हो कि तुम्हारे बाप की आंखों की कीमत हम सब की जिंदगियों से ज्यादा है तो जाओ तोड़ लो वो फूल। या खुदा, अब मैं क्या करूं? ताज, इस मुश्किल का एक हल है लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं फूल को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तू परिस्तान के दुश्मन शैतान अमृत बिन जिन्नात को खत्म कर दो तो परिस्तान को कोई खतरा नहीं रहेगा और फिर तुम आसानी से ये फूल ले जा सकोगे। इंशाल्लाह, जब मैं परिस्तान तक पहुंच गया तो इसे हासिल भी करके रहूंगा। कल दिन निकलते ही मैं यहाँ से रवाना हो जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बेटे, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, शादी होने के बाद लड़की की जिंदगी अपने शहर की जिंदगी से होती है। बेटी, जो तुम मुनासिब समझो। खुदा खुदा। चलो शाह परस्तान, क्या ये सच है कि बकौली आपकी इजाजत से ताज के साथ गई है? हमने अपना फर्ज अदा किया। हम वैसे फर्ज को फर्ज नहीं समझते। जो परस्तान के लिए खतरे का बाइस बने हम उसे रोकने जा रहे हैं। लेकिन हमने हम कुछ सुनना नहीं चाहते। इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलल्लाह। किसने किया है ये? कौन हो तुम? तुम्हारी हमसे क्या अदावत है? अदावत नहीं, हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं। हमारी राहों को तारीख करके आप इसे हमारी भलाई कहते हैं? बकौली परस्तान की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से और तुम्हारा इस नौजवान के साथ जाना तुम दोनों की मौत का बाइस। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। हम ठीक कह रहे हैं बकौली, मर्द जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी कमजोरी बन जाती है और ताज जिस जगह जा रहा है वहाँ तुम्हारा होना खतरे से खाली नहीं। लेकिन मैं इनकी कमजोरी नहीं, ताकत हूँ मुकद्दस फरिश्ते। मैं इनकी हर मुश्किल आसान कर दूंगी। अगर ये थक जाएंगे मैं इनका सहारा बन जाऊंगी और अगर कहीं ये भटक जाएंगे तो मैं इनके लिए रास्ता बन जाऊंगी। तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन हो तो हो, हमें नहीं। तो आप इम्तिहान ले लीजिए। ऐसा न हो कि तुम्हें इम्तिहान देकर पछताना पड़े। जी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा तो तैयार हो जाओ। पहचानो इनमें से कौन सा तुम्हारा ताज, बादशाह, मजदूर या भिखारी? बोलो तुम किसकी मोहब्बत का दम भरती? मैं बादशाह के साथ बेगम, मजदूर के साथ मजदूर और भिखारी के साथ भिखारी। कहिए खत्म हो गया आपका इम्तिहान? इम्तिहान खत्म हो या ना हो हम तो जाएंगे। और बकाल, लेकिन इस तारीकी में ईमान की रोशनी काम आए। आओ ठहरो, बकौली को तुम हमारी इजाजत के बगैर नहीं ले जा सकते। बकौली को अपने साथ ले जाते हुए दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं रोक सकती। गुस्ताख, तुम्हें हमारा जरा भी खौफ नहीं? हमारे दिल में खुदा के सिवा और किसी का खौफ नहीं। आओ। अच्छा ये बात है। क्यों छीन लिया मेरी जिंदगी को मुझसे? बोलिए, जवाब दीजिए। हमने उसे मारा है बकौली, जो हमारे प्रस्थान की तबाही का बाइस बन रहा था। गलत कहते हैं आप।
आपने उसे मारा है जो परिस्तान के दुश्मन को मारने जा रहा था। जुल्म किया है आपने, बेइंसाफी की है। जो होना था हो चुका, अब आप चलो यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं आपको बता दूंगी कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। मैं आपको दिखा दूंगी मेरी मोहब्बत, मेरा ईमान, मैं उस्ताद की जिंदगी बन जाएगा। बचाओ नहीं, बचाओ नहीं। भाई वो कौन सी तरकीब है? जरा बोलता हूँ। सुनो, आज गया है शैतान से लड़ने और उसके वापस आने का कोई मौका नहीं, पर फिर मैं तो क्यों ना हम लोग मौके से फायदा उठाकर बकौली का फूल चुरा ले। ये लीजिए बकावली का फूल चुरा ले, जैसे अपने अब्बा का बगीचा है। अरे भाई जहां यहाँ इतनी सारी परिये हैं, किसने पकड़ लिया तो बात तेरे क्या हुआ? बात करेगा तो छोटी बात करेगा। छोटी बात करेगा भैया, हम लोग हैं शाही मेहमान। बिल्कुल, परिया कैसे पकड़ सकती? नहीं परिया ठीक है, समझ गया ना, हम शाही मेहमान हैं। बिल्कुल है, अब जल्दी आओ। चलो जल्दी आओ, चलो हम समझ गया, शाही मेहमान। हटाइए, शाबाश, आओ आओ आओ। शाही मेहमान, शाही मेहमान, सलवार बाजू में शाही मेहमान। भैया तुझे प्यास लगी ना? प्यास 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 लगी है? सुनिए जरा इनके लिए पानी। प्यास
आप ही हैं मुन्ना। हाँ तुझे भूख लगी है ना? क्या भूख भाई जान, बहुत जोर से भूख लगी है। आप ही खत्म पेट में इतने बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। देखो बेचारे के पेट में इतने बड़े बड़े चूहे दौड़ रहे हैं। तो बिल्ली लाओ। नहीं कुत्ता लाओ, बिल्ली लाओ, गधा लाओ। अरे भाई खाने को मांगते हैं, जो लाना है लाओ, सब ये खा जाता है। जल्दी जाओ लाओ। अच्छा है कुछ? कहीं बिल्ली लाऊं कुत्ते लाऊं? भैया बोले बकावली चुराने आए थे? नहीं हुजूर, नहीं हुजूर, हम तो अपने आप को छुड़ाने आए थे, हम पे दया कीजिए। चुप रहो, जब देखो भैया मौके पर अटक जाते हो। मामा तू बोल, छोटे तू बोल। शायद कब्रिस्तान हो, रेगिस्तान नहीं, रफरिस्तान। हम कम सुनों को माफ कर दीजिए, फिर ऐसी गलती कभी नहीं। बच्चा है तो तुम लोगों को माफी चाहिए। इन तीनों को गिरफ्तार करो और तहखाने में डाल दो, इनके पीठ पर मारे लगा दो। ताज, ताज, घबराओ नहीं, इस बोतल को अपने पास रख दो। हमारी कला जिसे अजल से लेकर आए तक कोई ना मार सका, उसे सब ना चीज क्या मार सकोगे? ये न भूलो कि दुनिया की कोई भी चीज गैर फानी नहीं, जो बनती है वो खत्म होती है, जो पैदा होता है वो मर जाता है, और आज मैं तेरी मौत का पैगाम लेकर आया हूँ। ऐसा पैगाम तुमसे पहले भी बहुत से लोग यहाँ लेकर आए मगर जवाब ना पा सके। फरा बिल्ला, शैतान हुआ तो क्या,
मेहमान नवाज हूं। ये देखो सब बहादुरों को आज यहां मेहमान बना के रखा हुआ है। मुझे मेहमान बनाने का अरमान तेरे दिल में ही रह जाएगा शैतान, क्योंकि तू खुद तो घड़ी का मेहमान है। खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ऐसा तूफान उठेगा कि नेस्तो नाबूद कर दिए जाओगे। खुदा पर मेरा ईमान, तुम्हारी शैतानियत के तूफान के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा। तुम्हें जो करना है कर लो आदम साहब। तुम्हारा ये खुदाई दावा जुटला दिया जाएगा। सना फिल्ला, सना फिल्ला, सना फिल्ला। चलो चले, ये लोग उन्हें पकाओ। शुक्रिया शाह पर ऐसा देखिए। खुदा 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 बदलू, सफर की तैयारी करो। अच्छा भाईजान, भाईजान ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। घबराते क्यों हो, हम इस पुल को आज रात को ही ले उड़ेंगे उड़ेंगे। तुम्हें अपनी अम्मी जान से मिलाएं। मुझे बड़ी खुशी होगी उनसे मिलकर। बहुत अच्छी हैं हमारी अम्मी। आप चल पड़े? हाँ हाँ, लेकिन हमारे भाई कहाँ है? वो तो कभी चले गए। चले गए क्यों? ये मैं आपको फिर बताऊंगा। अच्छा चलो बैठो, मैं आपके साथ नहीं चल रहा हूँ। नहीं चल रहे?
तैयार हूँ। अब मजा आएगा, अब्बा जान की आंखें भी वापस आ जाएंगी और हम आदि संसद के मालिक बन जाएंगे। अब तीनों भाई मिलकर बांट लेंगे, कम से कम चप्पा चप्पा तो मिल जाएगी। आले जा तीनों शाहजादे बुले बकावली लेकर आ गए। क्या बुले बकावली ले आए? बुले बकावली ले आए। देखा आपने, मैं ना कहती थी कि मेरे बेटे कितने होनहार हैं, लेकिन आपको तो यकीन ही नहीं आता था। मैं नहीं कहता था अब्बा कि मेरी दी हुई तालीम कभी गलत साबित नहीं हो सकती। हाँ कहीं रास्ते में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं अम्मी जान, हम पहाड़ों के सीने चीरते हुए दरियाओं को पार करते हुए आगे। तू बोल। हाँ, गुले बकावली लेकर आ गए हैं। अब बाबू, अब आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और हम आज ही संसद के मालिक भी बन जाएंगे। चुप, क्या हुआ? क्या हुआ? सबके सामने ऐसी बातें नहीं किया करते। अब बाबू, आपकी आंखें आगे कीजिए। आगे ना अब बाबू, अब आप इस फूल का कमाल देखिए। अम्मी आप भी। अब्बा हुजूर, अब आप आंखें खोलिए और अपने होनहार बेटों को देखिए। अब्बा हुजूर, हम यहाँ हैं, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्या? हमारी बिनाई वापस नहीं आई। नकली फूल से आपकी बिनाई वापस नहीं आती। कौन? अब्बा हुजूर, मैं असली फूल लेकर आया हूँ। कौन है? ताज हूँ अब्बा। हाँ, अब आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपकी बिनाई वापस आ जाए। ताज? अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर, ये झूठ बोलता है अब्बा हुजूर। दरअसल फूल हम लाए थे, इसने बदल लिया है अपनी जान। जरूर बदला होगा, ये शक्ल से ही चोर दिखाई देती। माफ कीजिए, चोर मैं नहीं, आपके बेटे हैं। इसका सबूत मैं अभी देता हूँ अब्बा हुजूर। उतारो पोशाक। आप क्या कर रहे हैं? उतारो, उतारो जल्दी। देखिए अब्बा हुजूर, ऐसी मोहरें हमारे इन भाइयों के पीठ पर भी हैं। तुम सिर्फ नालायक नहीं बल्कि झूठे और चोर भी। अब्बा हुजूर, मैं माफ कर दीजिए। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, निकल जाओ यहां से। ये क्या कर रहे हैं? बेगम, ये हमारा हुक्म है। आज के बाद इस बादशाह को फिर से उसका ताज मिल गया। बेगम, आले जा, आपकी बहू आदाब और कृपा है। जीती रहो बेटी, खुदा तुम दोनों को हमेशा अपनी रहमत में रखे। उसकी मुश्किल हल हुई, उसकी मुश्किल हल हुई, जिसने ये कलमा पढ़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टीवी नेक्स्ट बॉलीवुड।